शिवम त्यागी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी का तब तक रुख कर लेती हूँ। पूजा जी, आप एक नई स्ट्रेटजी के साथ नीट को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि हमने इसमें एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया, सीबीआई जांच कर रही है, यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी, नीट पीजी परीक्षा स्थगित कर दी, और विपक्ष को क्या चाहिए? जांच तो चल तो रही है इस मामले में। विघ्नेश जी, इस देश में जवाब नहीं करता। अभी राजीव जी सिलेवार तरीके आया कि क्या गड़बड़ियां हुई। पांच को था इकोनॉमिक यूनिट पटना ने पांच को एनटीए को तीन चिट्ठियां लिख दी थी कि हमने पेपर पकड़े, हमने ज्ञान पकड़ा। उसके बाद गोधरा की बात आती है, उसके बाद हरियाणा के झज्जर की बात आती है, रांची में पकड़ते हैं, और अब हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक जगह के हैंडलर या चार पांच लोगों की बात नहीं है, पांच छह राज्यों से सामने आई है। पांच छह राज्यों से एक संगठित पेपर लीक का गैंग है, और आप एनटीए पे आप शिक्षा मंत्री जो 8 दिन पहले एनटीए की पीठ थपथपा रहे थे और कह रहे थे शिक्षा बिल्कुल फुल प्रूफ है। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। वो कहते हैं कि मैं नैतिक जिम्मेदारी ले रहा हूँ। नैतिक जिम्मेदारी कहकर आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, आपको राजनीतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सिस्टम को पूरा दुरुस्त करना पड़ेगा। आप एक लॉ लेकर आए हैं, वो लॉ तब काम में आता है जब पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? 4 दिन 4 पेपर स्थगित होते हैं, और आप कहते हैं कि बिहार जैसे छिटपुट घटनाएं हर दिन सीबीआई किसी ना किसी को पकड़ रही है, हर दिन कोई ना कोई सामने आ रहा है, कहीं कुछ। कल बेदी राम जी जो राजभर कैंप के एमएलए हैं उनको पेपर लीक गैंग का मास्टरमाइंड बता दिया गया। झज्जर में जिस सेंटर से 6 टॉपर्स निकल कर आए उन्हें बता दिया गया कि आप किसी बीजेपी लीडर के का खुद का स्कूल है। मेरा हमारा ये कहना है अगर विपक्ष 4 तारीख से भी इसमें इतनी अनियमितता थी, इतनी गड़बड़ियां थी। मैं राजीव जी का भी शो देखती रहती हूँ, माहौल क्या है, वो बच्चों से बात करते हैं और हर बच्चा ये कहता है कि परीक्षा फिर से हो, क्योंकि परीक्षा का पूरा सिस्टम ही खराब हो चुका है। यहाँ हम बात डॉक्टर्स की कह रहे हैं, यहाँ से बात 24 लाख बच्चों की नहीं है, 24 लाख परिवारों की है। एक बच्चा 2-3 साल तक नीट की तैयारी करता है, अगर आप एक भी इनकेपेबल एक भी ऐसे व्यक्ति को अंदर घुसा देते हैं पेपर लीक के मामले के थ्रू, तो आप लाखों लोगों की जान उसके हाथ में दे देते हैं। तो यह सिस्टम की जिम्मेदारी कब तय होगी? बात करते हैं एनटीए की। एनटीए का अभी तक कोई अबॉलिशमेंट नहीं है। आपने प्री पीजी का एग्जाम रद्द कर दिया, आपने नेट का रद्द कर दिया, आपने यूजीआईसी का रद्द कर दिया। एनटीए के चेयरमैन प्रदीप जोशी 2006 से आयोग खेल रहे हैं। 2006 में वो मध्य प्रदेश कमीशन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे किसी संघ के व्यक्ति के रिकमेंडेशन से, वहां पे से फिर छत्तीसगढ़ आए, फिर यूपीएससी आए, फिर एनटीए आए। अब प्रदीप जोशी जी का अगर आप एकेडमिक क्रेडेंशियल्स निकाल के खंगालेंगे तो कुछ खास नहीं है, ना कोई पेपर्स है, ना कोई फॉरेन वो है, ना कोई सेमिनार्स है, कुछ नहीं। एक व्यक्ति जो जबलपुर यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक प्रोफेसर था, वो पिछले 22 साल से आयोग खेल रहा है, और इतनी बड़ी घटना है सारा का सारा युवा देश में। और यहाँ बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है, यहाँ बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, यहाँ बात है बच्चों के भविष्य की। बच्चे के भविष्य जो निम्न मध्यम वर्गीय और निम्न वर्ग से जो बच्चे आते हैं, जो 44,600 गवर्नमेंट सीट्स के लिए फाइट करते हैं, उनके भविष्य की बात है, क्योंकि शिक्षा ही वो सीढ़ी है जिसपे चढ़ के वो ऊपर चढ़ सकते हैं। और आप जैसे अब जब पेपर लीक जैसे संगठित माफिया का गैंग बनते हैं और ये ऊपर से नीचे तक जवाबदेही की बात है, तो आप उस सीढ़ी को खींच लेते हैं और वो बच्चा बड़बड़ा के नीचे गिर जाता है। तो यहाँ एक बच्चे के साथ भी गलत होता है तो एग्जाम फिर से होना चाहिए। सिस्टम को दुरुस्त करने की बात है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये नहीं कह सकते कि बिहार जैसे छिटपुट घटनाएं हुई है। कहां है सरकार की एनटीए की? कब आप एनटीए चेयरमैन को कब निष्कासित करेंगे? आप एनटीए को कब भंग करेंगे? 2020 में प्रधानमंत्री ने बड़े जोर शोर से ये बात कही थी कि एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए ठहरे, जिसको क्रांतिकारी कहा गया था, रिवोल्यूशनरी कहा गया था। 4 साल हो गए हैं एनआरए ने एक एग्जाम नहीं कराया अपने 1717 करोड़ के बजट के साथ। कहां है नेशनल रिक्रूटमेंग एजेंसी? क्या वो एनटीए के डीजी को हटाकर नई नियुक्ति हो गई है? एनटीए का चेयरमैन क्यों नहीं हट रहा है? प्रदीप जोशी ऐसा कौन सा वो खाकर आए हैं अमरता की घुट्टी की उनको नहीं हटाया जा रहा है? पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। 4 पेपर लीक हो चुके हैं, 3
बात बोले। आज जब विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, आज हम जब बच्चों के साथ खड़े थे, तब धर्मेंद्र प्रधान जी को अगले 8 दिन में अपना टेनोर बदलना पड़ा और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिवम त्यागी जी, जवाब दीजिए। एक तो सवाल ये है कि एनटीए के चेयरमैन को क्यों नहीं हटाया जा रहा है इतनी धांधली होने के बाद। अब तो सिस्टम एक्सपोज हो गया, भ्रष्टाचार सामने आ गया, अरेस्टिंग हो गई है, जले हुए पेपर मिल गए हैं, कबूलनामा हो गया है, फिर भी, क्योंकि ये सही कहा मेरे सहयोगी राजीव रंजन ने कि ये अब पक्ष विपक्ष का सवाल नहीं है, देश के भविष्य का सवाल है, उन छात्रों का सवाल है जो उस दिन से जब से धांधली की बात आई है परेशान है, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, फिर सरकार इस पर फैसला क्यों नहीं ले पा रही है, क्यों इस मुद्दे को इतना खींचा जा रहा है। शिवम त्यागी जी, जी जी